देखो संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग पहला उपसर्ग क्या है, अर्थ क्या होता है, तक या फिर भर या उल्टा, तीन अर्थ होते हैं आ, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा, आगमन आजन अधिगम, ठीक है। तो दूसरा क्या है, अति, अति का मतलब है अधिक, ठीक है, क्या अधिक, अत्याधिक अत्यंत अधिप्रिय, ठीक है, अत्याधिक अत्यंत अधिप्रिय। देखो अधिक का मतलब होता है ऊपर या बड़ा या समीप। उदाहरण क्या हो जाएगा, अधिकारी, कार्य में क्या जुड़ गया, अधि, नायक में क्या जोड़ दिया, अधि, काल में क्या जोड़ दिया हमने, अधि, ठीक है। ऐसे चौथा क्या हमारा, अप, अप मतलब होता है बुरा, जैसे अपमान, अपराधी, अभ्यस, ठीक है, अपमान, अपराधी, अभ्यस, ये अप क्या है इसमें, उपसर्ग। तत् मतलब होता है उसके या जैसा, तत्काल, तत्पर, तत्पश्चात, तदनुसार, ठीक है। दुर, दुर मतलब बुरा या कठिन, जैसे दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्गुण, ठीक है। ओके, प्रा, प्रा मतलब होता है उल्टा या पीछे, पराजय, पराकाष्ठा, प्राप्त। परि, परि मतलब चारों, परिणाम, परिचर्या, परिक्रमा। प्रा मतलब आगे ऊपर, प्रसार, प्रवाह, प्रचार, प्रगति। प्रति मतलब विपरीत, प्रतिभागी, प्रतिकूल, प्रतिदिन। वी, वी मतलब अलग, वी ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस शेष, विशेष, वी प्लस योग, वियोग। सम मतलब अच्छी तरह, संगति, ये जो बिंदी रखी है आदामा है, ठीक है, संगत में क्या उपसर्ग है, सम, सम्मान, सम प्लस मान, संचय, इसमें भी ये जो बिंदी रखी है ये आधा मा है, संचय, ठीक है, संतोष, समझ में आया ना।